वेलकम टू माई चैनल, दिस इज अ टेस्ट नंबर 12 एंड वी हैव डिस्कस ऑलरेडी 1 to 12 टॉपिक। ये जो टेस्ट है हमारा, ये टॉपिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है टाइगर, मैन, कैट्स, डॉग आर कंसीडरेबल एग्जाम्पल ऑफ द स्टेनो थर्मल एनिमल। अभी स्टेनो थर्मल एनिमल कौन से होते हैं, मैं जो यहाँ पर समझाता हूँ आपको। एक होता है हमारे पास स्टेनो थर्मल एनिमल। स्टेनो थर्मल एनिमल वो एनिमल होते हैं जो हीट जो होती है ना, हमारी टेम्परेचर, उसको टॉलरेट करते हैं, पर लेकिन थोड़ा सा कम, लेस देन। भाई एक तो एनिमल होते हैं जो बहुत ज़्यादा हीट में रह सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एरोथर्मल एनिमल। तो जैसे हमारे ह्यूमन हो गए, कैट हो गए, डॉग होते हैं, वो एक तरह से एरोथर्मल एनिमल होते हैं, ना कि स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल एनिमल मतलब क्या, जिनकी जो टॉलरेसिंग पावर जो है वो हमारे पास थोड़ी सी कम है, ठीक है, वो थोड़ी सी हमारे पास नैरो रेंज है टेम्परेचर की, जो टॉयलेट करने की ना। तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर में टॉयलेट कर सकते हैं वो है हमारे पास ईरो, ERY थर्मल एनिमल्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्टेनो थर्मल एनिमल्स। तो ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि टाइगर, मैन, कैट्स एंड डॉग आर कंसिडर्ड टू बी स्टेनो थर्मल एनिमल। गलत है, जबकि ये जो एनिमल्स होते हैं सबसे ज़्यादा हीट को टॉयलेट कर सकते हैं, तो इसलिए पार्ट हमारा सेकंड फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड पे आते हैं, सील कैन बी कंसिडर्ड एग्जांपल ऑफ द क्रायोफिलिक। देखो क्रायोफिलिक एनिमल कौन से होते हैं, क्रायोफिलिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जो लो टेम्परेचर में रहते हैं, जिनका टेम्परेचर लो होता है वहाँ रहते हैं, तो सील है एग्जाम्पल उसका, ठीक है। तो ये तो लिखा है, सील कैन बी कंसिडर्ड एग्जाम्पल ऑफ द क्रायो थर्मल। क्रायो मतलब लो टेम्परेचर में जहाँ पर रहते हैं। क्रायो इंजन भी होते हैं, एक तो क्रायोजेनिक इंजन जो रॉकेट में यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं। तो सेकंड हमारा सही हुआ। थर्ड हमारे पास है एरोहेलिन। देखो लिखा है एरोहेलिन, हेलिन होता है हमारा साल्ट, वो जो साल्ट के जहाँ पर रहते हैं, वो ग्रीन क्रैप हमारा सही है, जहाँ पर ग्रीन क्रैप होता है। ये जनरली कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको सी के अंदर, ठीक है। वहाँ पर सैलिनिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, हाई सैलिनिटी। इसका मतलब क्या होता है, हाई रेंज ऑफ सैलिनिटी, हाई रेंज ऑफ सैलिनिटी। तो समझ में आ गया, तो ये हमारे पास सही हुआ। तो दोबारा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। एक होता है स्टेनो थर्मल एनिमल। स्टेनो थर्मल एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जिन जो टेम्परेचर को कम टॉलरेट करते हैं, जबकि पर लेकिन मैन, टाइगर और डॉग तो बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं, तो इसलिए फर्स्ट हमारा गलत हो गया। सेकंड हमारा सील कैन बी कंसीडर्ड एग्जाम्पल होता है क्रायोफिलिक एनिमल। क्रायोफिलिक एनिमल वो होते हैं जो लो टेम्परेचर में रह सकते हैं, तो सील रह सकती है, सही बात है। थर्ड होते हैं हमारे पास क्यूरोहेलिन। हेलिन मतलब होता है सैलिनिटी, इनवर्टिब्रेट एनिमल होते हैं, तो ग्रीन क्रैब हो गए। टू एंड थर्ड आंसर होगा, इसका आंसर हो गया सी। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, सॉरी 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द एल्गा इनहेबिट द सी इज लाइकली टू बी फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर। कह रहे हैं कि सबसे डीपेस्ट वाटर के अंदर जो हमारा सबसे एल्गा पाया जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है रेड एल्गा। उसका नाम क्या है, रेड एल्गा। रेड एल्गा एक्चुअली में क्या है कि रेड एल्गा ही क्यों वो कर पाता है, देखो जो ऊपर से हमारी वेव्स आती है ना, उस वेव की ग्रीन और ब्लू वेवलेंथ, ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा नीचे चली जाती है, और ये इसको कौन ले लेता है, रेड ग्रीन एल्गा, जो रेड एल्गा है वो ले लेता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो जाती है और वो जिंदा रहते हैं। समझ में आई बात, फोटोसिंथेसिस होती है। तो मैं जरा यहाँ समझाता हूँ, होता क्या है कि डीपेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, रेड एल्गा है, एल्गा है। तो ऊपर से जो लाइट आती है वो कौन सी वेवलेंथ नीचे सबसे ज़्यादा पहुँच जाती है, वो है ब्लू ग्रीन। तो जो हमारे पास ब्लू ग्रीन वेवलेंथ सबसे नीचे पहुंच जाती है। अब जो रेड एल्गा होता है उसके पास एक ऐसा पिगमेंट होता है जो सबसे ज़्यादा इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका नाम होता है फाइकोएरिन थ्रीन। ये पिगमेंट है, कहाँ मिलेगा आपको, रेड एल्गा के अंदर। हालांकि आपको याद करने की जरूरत नहीं है इतना बायोलॉजिकल, बस आपको ये याद करने की जरूरत है कि सबसे जो नीचे जाता है, सबसे जो हाईएस्ट डेप्थ के अंदर जो हमारा एनिमल पाया जाता है, एल्गा पाया जाता है, उसका नाम है हमारा रेड एल्गा, ठीक है। ये जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बता दूँ मैं आपको पहले से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एस्टिवेशन कौन से होते हैं, वो एनिमल जो समर में सो जाते हैं, ठीक है, और हाइबरवेशन कौन से होते हैं, जो कोल्ड में सो जाते हैं। तो एस्टिवेशन टाइप ऑफ द समर स्लीप सही है, परफॉर्म्ड बाय द कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है हाइबरवेशन टाइप ऑफ द विंटर स्लीप एंड परफॉर्म्ड द वार्म एंड एज वेल एज कोल्ड एनिमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, आंसर इसका 2। याद कर लो, एस्टिवेशन वो एग्जाम्पल इज
एक्सटिवेशन वो होते हैं जो स्लिप जो समर में सो जाते हैं उनका ब्लड होता है कोल्ड, हाइपरवेशन वो होते हैं जो विंटर में सो जाते हैं उनका ब्लड होता है कोल्ड एंड वार्म। तो दोनों आंसर सही हो गए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फोर्थ के अंदर। कह रहा है इनमें से कौन से सबसे ज़्यादा माइग्रेट करते हैं विंटर सीजन के अंदर। ठीक है, अमूल फैल्कन करते हैं, करते हैं जी, अफ्रीका पाए जाते हैं, ग्रेटर फेलनोगो भी करते हैं और ब्लू थ्रोट भी कहते हैं। ये पाएगा, ये आपको मिलेगा इंडिया के अंदर भरतपुर सेंचुरी राजस्थान के अंदर। एक बार हेडेड गोस ये भी करते हैं। अच्छा, बार हेडेड गोस क्या होता है आपको पता है? बार हेडेड गोस के बारे में, बार हेडेड गोस वो ये जो होते हैं ये सबसे ऊँचे उड़ने वाली बर्ड्स हैं, सबसे ऊँचे उड़ने वाली बर्ड्स हैं। कौन से नाम क्या है? बार हेडेड गोस, इसलिए दिया हुआ है। और सबसे ज़्यादा माइग्रेट करती है, इवन विंटर के अंदर ही माइग्रेट कर लेती है। और ये कहाँ से? हिमालय से लेकर साउथ में पहुँच जाती है इंडिया के अंदर। क्या नाम है उसका? बार हेडेड गोस। तो उसका आंसर हो गया डी। तो ये चारों हमारे पास ऐसे बर्ड्स हैं जो जो विंटर सेशन के अंदर ही माइग्रेट कर लेते हैं। कौन कौन? अमूर फेल्कन, ग्रेटर फेलमिंगो एंड ब्लू थ्रोट एंड बार हेडेड ग्रोस। तो बार हेडेड ग्रोस सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाली बर्ड है, याद कर सकते हो आप। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूट टू रियली फाइंडिंग वेरी स्मॉल एनिमल इन द पोलार रीजन। कह रहे हैं पोलार रीजन के अंदर, पोलार रीजन जो हमारे पास होते हैं अर्थ के, पोलार रीजन ऊपर का पार्ट है वाला, सबसे ठंड होती है। कह रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम एनिमल एनिमल क्यों पाए जाते हैं? इसका देखो रीज़न, तो पहले तो आप ये पढ़ो कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो अपनी मेह से ज़्यादा हीट लॉस करते हैं, क्योंकि बाहर क्या होता है? कोल्ड होता है, तो इसकी वजह से वहाँ मर जाते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या होता है? जो स्मॉल एनिमल होते हैं वो अपनी एनर्जी को जनरेट करने के लिए ज़्यादा मेटाबॉलिज्म का यूज़ करते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा वहाँ पर नहीं रह पाते कोल्ड एरिया के अंदर। जहाँ कोल्ड एरिया होता है वहाँ पर मेटाबॉलिज्म रेट कम होती है, उसको चलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो दोनों तो हमारे सही हैं। थर्ड पढ़ते हैं, वेरी स्मॉल एनिमल हैव द स्मॉल सरफेस एरिया, गलत है। जो छोटे एनिमल होते हैं उनका लार्जर सरफेस एरिया होता है और रिलेटिवली वॉल्यूम, सही बात है। तो उसका आंसर क्या होगा? लार्जर। तो आंसर हुआ सेकंड एंड थर्ड आंसर हो गया इसका। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया ये टेस्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हाउ डू द बॉडी एक्टिवलाइज्ड इट सेल्फ इन द एटीट्यूड सिकनेस ऑफ द हाई ब्रीथिंग ड्यूरिंग द माउंटेन क्लाइंबिंग। ये कह रहे हैं कि जब माउंटेन क्लाइंबिंग हम जाते हैं ऊपर, तो हमारा माउंटेन क्लाइंबिंग में जाते जाते हमारे सांस क्यों फूलने लगती है? तो उसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? देखो, आप जब हाई क्लाइंबिंग में जाओगे, जब आप क्लाइंबिंग में जाओगे तो सबसे पहली बात जो होगी वो होगी आपकी ब्रीथ जो होगी, ब्रीथिंग वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। इसका रीज़न क्या होता है? इसके रीज़न दो हैं। इसके रीज़न एक तो हमारे पास ये है, जब आप ऊपर जाते हो तो उस टाइम पे हमारे जो RBC हैं वो बहुत तेज़ी से बनते हैं। RBC प्रोड्यूस इंक्रीजिंग होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज डिक्रीज्ड। तो आप ये तीन चीज़ याद कर सकते हो, जब हम ऊपर क्लाइंबिंग में चढ़ते हैं तो ब्रीथिंग हमारी इंक्रीज कर जाती है, उस दौरान हमारा RBC ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और हमारी बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाती है। अगर आपको ये तीनों पॉइंट याद है तो आप इस क्वेश्चन कर सकते हो। डिक्रीज RBC गलत है, इंक्रीजिंग बाइंडिंग एनर्जी गलत है, डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीजिंग बर्थ रेट ये सही है। तो आंसर हो गया इसका थर्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू ब्रीड वंस इन द फ्यूचर। कह रहे हैं एक अपनी लाइफ के अंदर इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक बार ही ब्रीड करते हैं? तो बोम्बो है इसका आंसर, दूसरा है हमारा पैसिफिक सैल्मोन फिश, ये आपको याद करना पड़ेगा। 2 and 3 आंसर हो गए इसके। तो इसका आंसर है सी। थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब फालतू क्वेश्चन भी है, पेपर थोड़ा सा इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। ग्रीन महानदी मिशन ये मैंने आपको पढ़ाया था ऑलरेडी पहले। इट इज़ लॉन्च इन द ओडिशा गवर्नमेंट, सही है जी। इट इज़ ऑब्जेक्ट टू द मिशन टू रिचार्ज एंड रिवाइटलाइजेशन ऑफ द ग्राउंड एनर्जी सॉरी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज अलोंग महानदी बैंक। एक महानदी बैंक होती है उड़ीसा, महानदी एक रिवर है उड़ीसा के अंदर, वहाँ से काट के ना एक एरिया को, ये बहुत बड़े एरिया को ग्राउंड वाटर के अंदर ला रहे हैं। इसका नाम है महानदी, ग्रीन महानदी मिशन। ठीक है, प्लांटेशन विद 1 किलोमीटर रेडियस ऑफ द बैंक बोथ साइड ऑफ द प्राइमरी इंक्लूडिंग द फ्रूट बेरिंग ट्रीज, सही बात है। तो 1, 2, 3 आंसर हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ। कार्टिजन बायोसेफ प्रोटोकॉल क्या होता है? कार्टिजन बायोसेफ प्रोटोकॉल क्या होता है पढ़ते हैं। इट इज एडिशनल एग्रीमेंट टू कन्वेंशन ऑफ द CBD। CBD होता है कन्वेंशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी, सही है जी। इट गवर्न द एक्सेस ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सिस एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट राइजिंग देयर यूटिलाइजेशन एंड कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, गलत है ये। थर्ड है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोटोकॉल, सही है, इंडिया का पार्ट है। देखो CP का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ इसके अंदर हो क्या रहा है। इसके अंदर
क्या है, एक होता है LMO, एक होता है LMO। LMO की फुल फॉर्म होती है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसकी फुल फॉर्म होती है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को एक तो कहीं भेजना, इधर उधर भेजना, ठीक है, उनको हैंडलिंग करना और उनको यूज करना। LMO को हैंडलिंग करना, उनको ट्रांसपोर्टेशन करना, उनको यूज करना, इन तीनों के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसका नाम है CBD, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जबकि ये क्या कह रहा है, इट गवर्न एक्सिस टू द जेनेटिक रिसोर्सेज, एक्सिस नहीं है, उसको हैंडल करना है, उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है, उसको यूज करने का है, ठीक है। तो फेयर इक्विटेबल गलत, तो सेकंड हमारा गलत होगा इसलिए, तो उसका आंसर वन एंड थर्ड आंसर होगा सी, ठीक है जी। चलो पैरासाइट, पैरासाइट पढ़ते हैं, पैरासाइट क्या होता है। देखो पैरासाइट क्या होता है, मान लिया एक ए है एक बी है, तो ए जो है बी के ऊपर रहता है और ये इससे अपना खाना लेता है, उसे कहते हैं पैरासाइट। दूसरी बात क्या है, इसको हार्म पहुंचाता है, इसको ये हार्म पहुंचाता है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल कह रहा है कि एग्जांपल है कोई लाइंग इन द एग इन द नेस्ट ऑफ द काउ, जो क्राउ के नेस्ट के अंदर कोल अंडे देता है उसको हटा देता है, तो क्या होगा, एक को तो फायदा हुआ एक को नुकसान हुआ, तो ये हमारा सही है पैरासाइट। दूसरा है एमिनलिज्म, एमिनलिज्म क्या होता है, ए जो है बी के ऊपर रहेगा और खुद तो मजे करता रहेगा, दूसरे वाले को मार देगा, जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ गया तो कोरोना वायरस खुद तो मजे करता रहेगा, दूसरे आदमी को डिस्ट्रॉय कर देता है। जबकि सी अमोनिया एंड क्राउन फिश गलत है, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, सी अमोनिया क्राउन फिश जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है हमारा कम्युनलिज्म का। एक होता है कोमेंसलिज्म, कोमेंसलिज्म का, कोमेंसलिज्म का मतलब क्या होता है, एक को तो बेनिफिट होता है पर दूसरे को बेनिफिट नहीं होता, पर लेकिन हार्म भी नहीं होता, ठीक है, तो सेकंड हमारा हो गया गलत। थर्ड है हमारे पास म्यूटिलेशन, म्यूटिलेशन मतलब क्या होता है, दोनों को बेनिफिट होता है, तो फ्री ट्री एंड पोलिनेशन इफेक्ट होता है, ये सही है, तो वन एंड थर्ड आंसर हो गया इसके। तो आपको बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकली याद करना है, पैरासाइट में क्या होता है, एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है, एमिनलिज्म के अंदर क्या होता है, एक को तो फायदा दूसरा हमारा मर जाता है, सेकंड मर जाता है। म्यूटिलिज्म के अंदर क्या होता है, दोनों को फायदा होता है। कोमेंसलिज्म के अंदर क्या होता है, एक को फायदा होता है दूसरे को फायदा नहीं होता, पर लेकिन उसको नुकसान भी नहीं पहुंचता, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आपके हो गए, आइए क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जब आप 11 पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं, इन द पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज द क्विकर, डिकम्पोजिशन रेट मानी बढ़ जाती है इफ द डेंट्रिस इज द रिच एंड द लिक्निन एंड च्यूटिन। चलिए कोई बात नहीं, देखो डेंट्रिस क्या होता है, डेंट्रिस होते हैं नाइट्रोजन प्लस वाटर सोलेबल, ठीक है, जब नाइट्रोजन होता है, जब नाइट्रोजन वाटर सोलेबल हो गए तो इनको ऑलरेडी इनके पास ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, जबकि डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है, नीड ऑक्सीजन। पर जब डेंट्रिस हमारे ज़्यादा बढ़ गए तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत कहाँ पड़ी, कम पड़ी ना, इसलिए क्विकर ना होके स्लो हो जाएगा आंसर इसका। दोबारा सुन लो, डिकम्पोजिशन रेट जब हमारी होती है तो उसके अंदर हमारे ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसे कहते हैं ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। पर लेकिन जब डेंट्रिस हमारा बढ़ जाता है तो उसके अंदर खुद वाटर सोलेबल एंड नाइट्रोजन होते हैं, तो उनको ऑक्सीजन जरूरत ज़्यादा नहीं होती। अगर हमारा डेंट्रिस बढ़ जाएगा तो हमारी डिकम्पोजिशन हमारी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, याद कर लो। अगर हमारा जो डेंट्रिस है ये अगर बढ़ गए तो डिकम्पोजिशन रेट हमारी कम हो जाएगी, तो पहला हमारा गलत हो गया। सेकंड है हमारा वार्म एंड मोस्ट इन्वायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन विद एज अ लो टेम्परेचर एंड एमिनलिज्म इनहिबिटेड द डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन द बाइंडिंग ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल, ये सही है, तो इसका आंसर हो गया सेकंड, ये नॉर्मल बात है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, ये तो पता ही होगा आपको, ये तो बी से रिलेटेड है, हमारे जो मधुमक्खियाँ होती हैं डेथ ऑफ द बी, इसमें क्या होता है कि वो शायद क्वीन की रक्षा करते हैं और फिर रक्षा वो मर जाते हैं तो मैचोर को वो फिर फूड इकट्ठा करते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, इसके अंदर डिसऑर्डर होता है, तो कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू द डेथ ऑफ द बीस, तो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम डेंट्रिस फूड इज अ मेजोरिटी कंडक्टिंग द एनर्जी फ्लो, गलत है। एक्वाटिक के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो फ्लो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास ग्रेजिंग फूड का होता है, पर लेकिन इसमें जो डेंट्रिस ना होके ये होता है ग्रेजिंग फूड का, ग्रेजिंग
फूड का, तो फर्स्ट नंबर गलत हो गया। सेकंड, टेरेस्टर इको सिस्टम से मच फ्रिक्शन इज एनर्जी लो थ्रू द ग्रेजिंग फूड, ये गलत है। यहाँ पर होता है आपका डेंटिस का, ऊपर नीचे लिखे हमें याद कर लो, इको सिस्टम में ज़्यादा फ्लो जो होता है वो तो ग्रेजिंग फूड का होता है, टेरेस्टर इको सिस्टम का जो ज़्यादा एनर्जी का फ्लो होता है वो होता है डेंटिस का। तो फर्स्ट एंड सेकंड दो गलत होगा, नाइदर वन एंड टू आंसर इसका। क्वेश्चन 14 चलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर द मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द नंबर ऑफ द पर यूनिट एरिया, सही है जी, टेक्निकल बात है। मेजरमेंट ऑफ द बायोमास इज अ टर्म ऑफ द ड्राई वेट इज अ मोर एक्यूरेट देन द टर्म ऑफ द वेट, तो सही है। जो सूखी हुई जो चीज़ होंगी, सूखी हुई जो क्रॉप्स हैं उससे हम ज़्यादा पता लगा पाएंगे बायोमास का बजाय हम दूसरे मास का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, ये बायोमास क्या होता है? प्रोटेक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोमास कहते हैं, ठीक है। तो आंसर वन एंड टू दोनों सही हो गए, तो उसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 15, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि इकोलॉजिकल प्राइमेट हमारा अब ऐसे बनता है, तो किस में होता है? ये तो एनर्जी का होता है। अच्छा, उल्टा कब बनता है? एक्वाटिक के अंदर, याद कर लो। तो कह रहा है कि तो बस आंसर बी हो गया, प्राइमेट्स ऑफ द एनर्जी फ्लो हमारी क्या होती है? अपवर्ड होता है। अच्छा, एनर्जी फ्लो जो हमारी होती है एक्वाटिक के अंदर वो मैंने क्या बताया? इन्वर्ट होता है, याद कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। तो 40-15 हो गए। द स्पीसी विच इन्वेड द बेयर एरिया इज कॉल्ड क्यूस्टोन स्पीसीज, गलत है। क्यूस्टोन स्पीसीज तो वो स्पीसीज होते हैं जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, जैसे शेर हो गया, है ना। शेर, अब शेर क्या है कि उसका एक रोल प्ले होता है, अगर वो मारता रहेगा एनिमल को खाएगा नहीं तो क्या हो, उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी और इकोसिस्टम में डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप देखो कि ऐसी कौन सी जो है स्पीसीज जिसको बाहर से लाया जाता है, सो कीस्टोन स्पीसीज ना बोल के उससे हम कहते हैं, वो उसे कहते हैं पाइनर स्पीसीज, पाइनर स्पीसीज को बोलते हैं। तो सेकंड तो मैं गलत हो गया। हाइड्रिक क्या होता है? जिसमें वाटर एरिया की, सही बात है। और जहाँ पर सूखे के लिए उसको क्या कहते हैं? जहरीक, ये भी सही है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो याद ही कर लो आप, सही है, इंपॉर्टेंट। देखो, एच वाई का मतलब वाटर, वाटर का मतलब जो जहाँ पर पानी होता है। एक्स ई आर का मतलब होता है सैलिडिटी, सैलिडिटी मतलब क्या होता है? जहाँ पर पानी नहीं होता, तो वहाँ पर होगी सूखा एरिया। तो सेकंड एंड थर्ड ऐसे निकाले मैंने आंसर। चलिए 17 पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन हमारे पास क्या, मेडागास्कर कंट्री इनमें से कौन सी है? देखो, मेडागास्कर कंट्री वो होती है जिसमें बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं मेडागास्कर कंट्री कौन सी है, इसका मतलब क्या है? जिसमें बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। और बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा किस में? इंडिया में भी है, ब्राज़ील में भी है, चाइना में, पर रशिया में नहीं है। तो 1, 2, 3 आंसर होगा इसका। 17 का आंसर होगा सी। 15, 18 पे चलते हैं। विच कैन बी कंसिडर इन सूट बायो रेमेडिकेशन। देखो, बायो रेमेडिकेशन क्या होता है, पहले सुन लो जरा, थोड़ा सा टेक्निकल है। बायो रेमेडिकेशन क्या होता है? कोई कंटेमिनेटेड चीज़ है, कंटेमिनेटेड चीज़ है भाई, वो खाया किसी डियर ने, डियर खाया लोयन ने, लोयन मर गया, लोयन खाया बर्ड्स ने, बर्ड्स मर गए उसे खाया चील ने, ऐसे करते करते वो कंटेमिनेटेड चीज़ जो होती है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में बढ़ते चली जाती है, ऐसे करते 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 सबका नुकसान हमारा ऐसे ही होता है। तो ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट बायो रेमेडिकेशन में से कौन सा है? अगर आप देखो तो पहले तो समझ में आएगी बायो रेमेडिकेशन क्या होता है। बायो रेमेडिकेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस टू ट्रीट कंटेमिनेटेड मीडिया इंक्लूडिंग वाटर, सोइल, सरफेस, कुछ भी हो सकता है। अब बायो स्पेंजिस क्या होता है, बायो वेंटिंग क्या होता है, और बायो एरोमेटेशन क्या होता है, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है। बायो वेंटिंग क्या होता है? देखो, ये तीनों जो चीज़ें, तीनों सोर्स हैं किसी चीज़ को ट्रांसमिट करने के। जैसे भाई कंटेमिनेटेड कोई सब केमिकल्स है, मान लो कोई बहुत केमिकल नंबर ए है जो बहुत खतरनाक है, उसे खाया किसने? ग्रेज ने, उसे खाया डीएन ने। तो वो जो ऐसे फैलेगा उसके सोर्स क्या क्या है? वो सोर्स वो तीन दिए हैं। बायो स्प्रेजिंग क्या होता है? देखो, बायो स्प्रेजिंग का जो मतलब होता है ना, वो मतलब होता है कि किसी इंडिजियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैले। इसका मतलब होता है, देखो इसका मतलब क्या है, बायो स्प्रेजिंग का मतलब क्या है? वो जो कंटेमिनेटेड फूड है या कुछ चीज़ है, वो फैलेगा कैसे? बाय इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, समझ में आ गया। दूसरा है बायो वेंटिंग। वेंटिंग क्या होता है? रास्ता। तो ये जो फैलेगा, ये फैलेगा बाय वाटर, सोयल, एयर, ऐसे। तो ये भी सही है। थर्ड हमारे पास क्या है? बायो ऑगमेंटेशन। बायो ऑगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे बाहर की स्पीसीज को इसके अंदर डाल दी हमने फॉर द कल्चर, भाई हम उसको उगाना चाहते हैं, कल्चर डालना चाहते हैं, तो हमने उस पानी के अंदर हमने किसी बाहर की स्पीसीज को डाला, कल्चर करा उसको, फिर उससे ही आगे 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 बढ़ता चला गया, उसे कहते हैं।
देखो मैंने आपको पहले बताया था, ये थोड़ा टेक्निकल है तो डोंट टेक टेंशन। आप इसको याद कर सकते हो कि बायो रेमेडिकेशन क्या होता है। बायो रेमेडिकेशन मतलब क्या होता है, कंटेमिनेटेड जो चीज़ है इट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द वन लेवल टू अनदर लेवल। तो उसका आंसर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द बायोस्फीयर, इनमें से कौन सा है। तो बायोस्फीयर आप देख लो, गल्फ ऑफ मन्नार तो है ही, पहले बता चुका हूँ। नोकरेक, अच्छा नोकरेक कहाँ पर है, ये मेघालय के अंदर है। पंचमारी, पंचमारी कहाँ पर है, ये केरला के अंदर है। नहीं ये तो पंचमारी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर है। अच्छा अगस्तमालिया ये हमारे केरला के अंदर है। तो अगर आप देखो चार लोग हमारे सही हो गए, 1, 2, 3, 4 आंसर हो गए। चलो हॉट स्पॉट पे आते हैं। अच्छा हॉट स्पॉट क्या होते हैं, हॉट स्पॉट वो होते हैं जहाँ पे ना, जहाँ पे चीज़ें क्या होती है कि वो जो हॉट, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। अच्छा 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 एक बात सुनो, बायो जो रिजर्व होता है हमारे पास, ये किसका प्रोग्राम है, MBA का प्रोग्राम है यूनेस्को का। चलिए क्वेश्चन 20 पे चलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट वो होते हैं जहाँ पे ना हमारे जो स्पीसीज हैं, देखो हमारी पूरी वर्ल्ड की 1500 स्पीसीज हैं एटलीस्ट, है ना, बहुत एंडेमिक मतलब कहीं नहीं पाई जाती है, यहीं पाई जाती हैं। वो पूरी स्पीसीज का कम से कम 0.5% है, समझ लो दोबारा बात क्या बता रहा हूँ। इन सारी स्पीसीज हैं, उनमें से 1500 स्पीसीज ऐसी हैं जो कहीं नहीं पाई जाती, वो पूरी स्पीसीज का 0.5% है। तो अगर 0.5% ये स्पीसीज कहीं मिल जाती ना, हम उसे कहते हैं भैया बायोडाइवर्सिटी स्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी का हम ये कहते हैं। तो क्या लिखते हैं, इट इज़ अ क्राइटेरिया टू क्वालिफाई द बायोडाइवर्सिटी इज मस्ट कंटेन एटलीस्ट 15,000, नहीं भैया 1500 है, 15,000 कैसे हो जाएंगे, 1500 स्पीसीज में से अगर जो मिल जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सही है तो गलत हो, फर्स्ट तो गलत हो गया। हमारे इंडिया के अंदर वेस्टर्न घाट है, बिल्कुल सही है। नॉर्मन माइरीज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सेकंड एंड थर्ड, अच्छा सुनो जरा, इंडिया के अंदर 3 पार्ट है, कौन कौन से, ईस्टर्न हिमालय, दूसरा है हमारे पास इंडो बर्मा, थर्ड है हमारे पास वेस्टर्न घाट या श्रीलंका। ये 4 पार्ट हमारे हॉटस्पॉट से रिलेटेड है, कौन कौन से, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा और ईस्टर्न हिमालय। ठीक है तो 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, आप इसे करो। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।